Vira, 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 aya, dekho tera mera rakhwala vira. Bura burai ko khatam kare, dekho banda banda, ye hira. Dekho isse zara tamanna dushto ko hai khatam karna. He's dead, he's dead, he's dead. ड्राइवर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ले चलो। प्राइम मिनिस्टर प्लीज पार्डन मी बट दिस इज रिडिकुलस। सोल्जर्स की जान हम इसे यूजलेस वेपन से नहीं गवा सकते। जो चीज हमारे लायक नहीं है वो जमा करने के लिए हमारा डिफेंस कोई डस्टबिन नहीं है। देखिए मैडम, हाल ही में कुछ बड़े अधिकारी लोग डिफेंस का खजाना खाली है ऐसा लिख कर दिए हैं और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन पड़ोसी देश अगर जंग का ऐलान कर देंगे तो हमारे सैनिक क्या करेंगे? दुश्मनों पर हम बम की जगह पटाखे फोड़ेंगे क्या? मजाक लगा रखा है। क्रिकेट मैच के पीछे करोड़ों लुटाने को तैयार है लेकिन डिफेंस के लिए आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं। नो वे, देश की सिक्योरिटी को लेकर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। देखिए अनुपमा जी, हमारे देश का आर्म्स एंड एमिनेशंस के लिए ओनली लोटस कंपनी इज द बेस्ट। कितने सालों से वो लोग सप्लाई कर रहे हैं और मेरा भी ये मानना है कि वो सबसे बेस्ट कंपनी है। प्राइम मिनिस्टर जी प्लीज फॉरगिव मी, लोटस कंपनी की हकीकत मैं आपको बताऊंगी। वो एक टोटल बोगस और फेक कंपनी है। वीडियो प्लीज। आई प्रेजेंट द बोर्ड कमिटी रिपोर्ट ऑन द आर्म्स सप्लाइड बाय द लोटस कंपनी एज फॉलोज। इक्विपमेंट, टैंक एंड यूनिफॉर्म्स सप्लाइड बाय द कंपनी आर ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्रोवाइड एब्सोल्युटली नो सेफ्टी फॉर अवर सोल्जर्स। इंडियन आर्मी सफर्ड लॉस ऑफ मेन इन लार्ज नंबर्स ओइंग टू द डिफेक्टिव and low quality bullets and guns supplied by Lotus. The so-called bulletproof jackets supplied by the company never proved war-worthy. They resulted in large-scale loss of men in battle. Our findings reveal that Lotus Company is a paid undercover agent of a Swiss manufacturer called Jaguar Arms and Ammunition Limited. Both these companies have been known for wrong reasons and blacklisted in international markets. Based on our detailed study and findings, Lotus Company is a fraudulent firm and the government of India is advised to take suitable action against it, the report declared. Hey madam! लोटस कंपनी वालों ने कमीशन नहीं दिए इसलिए आप ऐसे झूठे झूठे वीडियोस दिखा रही हैं। इसका मतलब जिस कंपनी को आप रेकमेंड कर रही हैं उसी को वो सारा कॉन्टेक्ट दिया जाए। इसका मतलब आपको वहाँ से जरूर कुछ मिल रहा है। I'm really sorry sir, I am not accepting any new proposal and I will send my report objecting to this company's deal to the parliamentary committee. So, I support madam's statement. वो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। उन्होंने जो इक्विपमेंट सप्लाई किए थे उससे हमारे ढेर सारे सैनिकों की जाने गई है। मिसेस अनुपमा राव, आप नाराज मत होइए। छानबीन करने के बाद हमारी अगली कैबिनेट मीटिंग में फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। ओके सर, दैट्स फेयर। नो मिस्टर राणा, दे आर नॉट हैप्पी विद योर प्रपोजल। वी हियर दैट डिफेंसिव अथॉरिटी आर नॉट साइनिंग आवर डील। हमने जो इन्वेस्ट किया था वो हमें लौटा दो, हमें ये डील नहीं चाहिए। डील नहीं चाहिए ये कह देने से मैं क्या इतनी आसानी से हार मान लूंगा? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना अड़ियल इंसान हूं। इस डील को किस तरह से करवाना है ये मैं जानता हूं। रमन सर, उस डिफेंस सेक्रेटरी को मुंह मांगी कीमत देकर डील को फाइनल करवाओ। ये सारे पैसे मैं आपके लिए लाया हूं मैडम। ओह माय गॉड, आपने समझ क्या रखा है मुझे? वो क्या है ना मैडम, हमारे इस देश में अगर हम ज्यादा ईमानदार रहेंगे ना तो हम पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लग जाएगा, लेकिन अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारा नाम मशहूर हो जाएगा मैडम। मिस्टर रामकृष्णा, सोल्जर्स के प्रति आपके मन में जो आदर है वो मैं समझ सकता हूँ मैडम, पर क्या है ना, मैं तुझे अच्छा इंसान समझती थी और तू मेरे घर पर रिश्वत देने के लिए आया, ये एक वजह काफी है तुझे जेल भेजने के लिए। पर तेरी बेटी मेरी बहुत इज्जत करती है और उसका विश्वास ना टूटे इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ। जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। मैडम, गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले सभी को महात्मा की पदवी नहीं मिलती। शट अप, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग।
मैं पुलिस को बुलाऊं? तू मेरे घर से इसी वक्त निकल जा, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं जा रहा हूं, प्लीज। टेक द मनी विद यू मिस्टर रामकृष्ण, प्लीज गो। मैं बिकाऊ नहीं हूं, ये बोल के ना आपने मिनिस्टर से। हाउ डेयर यू कम हियर टू ब्राइब मी, गेट आउट। मैं जा रहा हूं, गेट आउट। सर, उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी दी। उसमें इतना घमंड? उसके मानने ना मानने से क्या होगा? No, Mr. Rana, we want our money back. We don't want friends, your friends, deal. Friends, please cool. Don't worry. You will get the deal. Rana, relax. तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उस पर डिफेंस सेक्रेटरी के साइन की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए वो कभी मानेगी नहीं। हमारे पास और रास्ता क्या बचा है? रमन, तुम्हें सिर्फ साइन ही चाहिए ना? साइन चाहे वो करे या फिर कोई और करे। Friends, come on. Let's enjoy. आप लोग चिंता मत करो। मतलब हो जाएगा। कोई और साइन? हाँ बोलिए हुजूर। आकाश इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन डिफेंस सेक्रेटरी का पति है। उस स्कूल में अटैक करके 100 बच्चों की लाशें गिरा दो। 100 लाश नहीं, पूरे 300 लाश गिरा दूंगा। 300। खबर मिली है, बैंगलोर के विद्यानगर इलाके के एक स्कूल में उग्रवादियों ने हमला कर दिया है। फ्लैग होस्टिंग के समय घटी घटना से विद्यार्थियों और वहां के अध्यापकों की जान खतरे में आ गई है। मंत्री जी, हम लोग सब आतंकवादी हैं, हमारे करीम को रिहा करो वरना तुम्हारे सारे बच्चों को मार डालेंगे। यही हमारा डिमांड है। चलो चलो समंदर, चलो चलो समंदर, चलो समंदर, चलो। Is it Army headquarters? Yes, sir. Home Minister speaking. Terrorists have attacked the school and the children are in bad situation. Don't worry, sir. I'll take care of the situation. Send the commandos immediately. Sir. Thank you.
चलो चलो निकलो, चलो बच्चों आ जाओ आ जाओ। Charlie calling Bravo. Charlie calling Bravo. This is Karthik, NSG Battalion, AB-56G. Operation successful, sir. Two commandos killed, Jagdish and Pankaj. Main terrorist escaped, sir. Major Karthik, you go to the railway station. हमें information मिली है कि वहाँ पर terrorist attack करने वाले हैं. Bomb squad team वहाँ पहले ही पहुँच चुकी है. You need to be with your team as early as possible. I am sorry, sir. मैं अपने commandos की जान खतरे में नहीं डाल सकता. दो साथी खो चुका हूँ safety के नाम पर. नकली बुलेट प्रूफ जैकेट और फॉल्टी गन्स के सहारे काउंटर अटैक नहीं किया जा सकता सर। I can't risk losing any more commandos, sir. You will have to follow my orders. Otherwise, you will be court-martialed. हमारे ऑर्डर्स नहीं मानने की वजह क्या थी? बुलेट प्रूफ जैकेट टोटली अनसिक्योर्ड है सर। हेलमेट के बावजूद पंकज के सिर में गोली लगी। हमारे सारे वेपन्स फेल हो गए। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो हमारी बॉडी पर फ्लैग उड़ाकर 3 राउंड फायर की सलामी देकर इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पर हमारे घर वालों को मेडल्स दे दिए जाते। वेपन्स को लेकर हम कितने भी कंप्लेंट्स कर लें, हमें कहा जाता है कि ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। हमें सरकार को जवाब देना होता है। मिनिस्टर आराम से एसी में रहते हैं, लेकिन जान गंवाते हैं हमारे सोल्जर्स। यही कड़वी सच्चाई है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो लोग मिलिट्री का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे हाथ का कोई खिलौना हो। बड़े अधिकारियों के आदेश को मेजर कार्तिक ने अनसुना किया। उन्होंने हजारों लोगों के भविष्य के बारे में ना सोचकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। इसीलिए मेजर कार्तिक को आर्मी से सस्पेंड किया जाता है और इसी के साथ 2 साल की सजा सुनाई जाती है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ये देश देशभक्ति की बातें बहुत हो चुकी। देखो अब कोई बिजनेस करो और सुकून की जिंदगी जियो। कुछ समझे कि नहीं? ए जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी सोच रखना गलत है। आई डोंट अग्री विद यू। एक दिन तो सबको मरना है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अपने देश के लिए शहीद होने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। क्यों? ये देश सिर्फ हमारा ही है क्या? औरों को इस देश से प्यार क्यों नहीं है? मरने के लिए सिर्फ हम बचे हैं, बाकी सब ऐश करें। पापा ये सब बातें मत कीजिए और मम्मी को घर ले जाइए। चलती हूँ बेटा। लालची नेताओं की वजह से देश को खतरा। रक्षा मंत्री और डिफेंस मिनिस्ट्री सेक्रेटरी पर सीबीआई को शक। नॉनसेंस। रक्षा मंत्री राणा राजशेखर और रक्षा मिनिस्ट्री सेक्रेटरी श्रीमती अनुपमा राव ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के खरीद में बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया है। अनुपमा जी के साथ साथ मिनिस्ट्री के कई अधिकारियों को उनके पद से हटाने की मांग की जा रही है। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। प्लीज कम इन। थैंक यू सर। मैंने साइन कर दिया है। ओके सर। यस मैडम। उस दिन तो आप सबके सामने इतना इनकार कर रही थी, फिर भी आपने उसी वेपन डील पर कैसे साइन कर दिया? बोलिए मैडम। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन वो सिग्नेचर मेरा नहीं है। किसी ने मेरी डिजिटल सिग्नेचर को मिसयूज करके
मुझे फंसाया है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इस केस को सीबीआई के हवाले कर दीजिए। सच्चाई क्या है ये सिर्फ आपको ही नहीं पूरे देश को पता चल जाएगी। I will refer it to CBI. आखिर सच्चाई क्या है ये देश को पता चलनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इट्स ऑल राइट, इट्स माय ड्यूटी। हेलो सर, हेड ऑफिस को सीबीआई ने सील कर दिया है सर। क्या कहा? हमारे हेड ऑफिस को सीबीआई ने सील कर दिया? हेलो, हमारे गोदाम को सील कर दिया? हाँ, हेलो हेलो बोलो। लेकिन तुमने सीबीआई वालों ने घर भी सील कर दिया तुम्हें। अगले हफ्ते मिलते हैं। ओके मैडम, लेट हो गई। दिस इज अरेस्ट वारंट, वी आर फ्रॉम सीबीआई। विदेश यात्रा पर गए भारत के रक्षा मंत्री राणा राजशेखर जी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस दुर्घटना में विमान में सवार 156 यात्रियों की दुखद मौत हो गई है। आकाश में विमान आपस में टकराने की वजह से ये दुर्घटना हुई। विमान में सवार सभी यात्री इस आग का शिकार हो गए हैं। केंद्र के रक्षा मंत्री राणा राजशेखर जी की दुर्घटना से मृत्यु होने के कारण पूरा देश दुख के सागर में डूब गया है। मम्मी का फॉल सिग्नेचर करवा के उन्हें अरेस्ट करवाया गया। मम्मी का इसमें कोई दोष नहीं है। मम्मी के पीए का इस्तेमाल करके वो विदेश भाग जाना चाहते थे। तुम्हें मम्मी को इंसाफ दिलाना होगा। प्लीज वेट, आई कम बैक। तुमने मुझे धोखा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन देश के साथ जो गद्दारी की है उसकी कोई माफी नहीं है। माँ के साथ, हमारी धरती माँ के साथ जो धोखा करता है उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन बेटी, तेरी माँ नहीं है, माँ की ममता क्या है ये तू नहीं जानती। मैं तुझे एक और मौका देना चाहती हूँ। प्लीज कॉपरेट and transfer all the money back into my account. यहाँ मेरा काम तो हो गया। पूरा पैसा मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया है। सीक्रेट कोड के साथ पूरा पैसा मेरे अकाउंट में सेफ है। अब ये लोटस कंपनी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा तुम सोच रही हो? उनके पास मनी पावर, मैन पावर सब कुछ है। देखो मेरी बात मानो, जो कुछ भी मिल रहा है उसे लेकर डील पे साइन कर दो। मतलब? उस मिनिस्टर के खिलाफ अगर हम गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। और उसके साथ हमें सच्चाई को बचाना है और फर्ज को भी निभाना है, ये भी सच है। चलो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन वेपन डील में कोई ईमानदार मिलने वाला नहीं है। हरिश्चंद्र की सोच रखने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। जितने भी हैं घुसखोर, धोखेबाज, मतलब परस्त हैं। हाँ तो दूध में मक्खी देखकर आंखें बंद करके दूध पी ले क्या? रक्षा करने वाले जवान हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट पे भरोसा करके जंग के मैदान में कूद पड़ते हैं। उनके सीने पर गोली लगती है तब भी वो नहीं रोते बल्कि जय भारत माता कहते हैं। बताइए उनके साथ धोखा करे? अनु, यू आर इमोशनल फूल। मुझे आपके साथ बहस नहीं करनी है। hey, हमारे भी बच्चे हैं और हमारा भी फ्यूचर है। पैसा कहाँ से आया ये अहम नहीं है, बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अहम है। What are you talking? Nonsense. समझो तो, आज कोई भी देश जंग नहीं करना चाहता तो वेपन्स क्वालिटी कैसी है इट्स ऑफ नो यूज। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ ड्यूटी टू परफॉर्म एज अ सिविल सर्वेंट। एक इंडियन सिटीजन होने के नाते आपका फर्ज बनता है आप मेरी मदद करें, ना कि गलत सलाह दे। यू साउंड लाइक अ ड्रंकन। इल्जाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पैसे ले चुका हूँ और तुम्हें साइन करना होगा। तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं है, दैट्स ऑल। क्या कहा? क्या आपने क्या किया? इतनी घटिया हरकत कर दी आपने, मुझे आप पर शर्म आ रही है। आई एम अशेम्ड ऑफ यू। मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे पति हो। आई विल गेट यू एक्सपोज्ड, आई विल गेट यू अरेस्टेड। तुम अपने देश को गद्दार नहीं कर सकते। तुम जिंदा बचोगी तब तो अरेस्ट करवाओगी ना। तुम बच नहीं सकते, छोड़ो मुझे। अभी अभी खबर मिली है, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री सेक्रेटरी अनुपमा राव की दुखद मौत हो गई है। पुलिस को शक है कि इस मौत के पीछे उनके पति का हाथ हो सकता है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
देखो भैया, तुम्हें बेल मिल जाएगी, क्योंकि मम्मी का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने तुम्हें परमिशन दी है। हेलो कार्तिक, मैं मिनिस्टर का पीए रमन कृष्णन बोल रहा हूँ। तुम्हें जितनी भी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा एविडेंस मैं तुम्हें दूंगा। तुम जेल में रहकर कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे, इसलिए कोशिश करके सिंगापुर आ जाओ। बाकी की सारी व्यवस्था मैं करवा दूंगा। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। सांस लेने में तकलीफ हो रही, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। एम्बुलेंस बुलाओ। फट गया तो भी काम का, पुराने कपड़ों को इस्त्री करना ही मेरी किस्मत रह गई है अभी। अरे बाप रे, अरे कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? एक ब्रांडेड जीन्स और टी शर्ट चाहिए। ब्रांडेड जीन्स और टी शर्ट चाहिए? मैं कपड़े भाड़े पर देता हूँ, उसमें भी ब्रांडेड चाहिए नहीं है। तू देगा या नहीं? पहले शर्ट तो छोड़िए, आपको जो चाहिए वो देता हूँ ना। पीपी जीन्स चलेगा आपको? ए, कोई भी चलेगा, जल्दी दे। अभी आता हूँ, ये लीजिए। हैंगर में लटका हुआ था, फिर भी तुझे दिखाई नहीं दिया। सॉरी भाई साहब, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा। आते समय कैदी के ड्रेस में आए, सच में एक ओरिजिनल कैदी हो क्या, या कोई ड्रामा में काम करते हो, या फिर वो फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं इस तरह भागते रहते हैं ना कैदी लोग पागलों की तरह, उसी तरह आप कोई डमी कैरेक्टर हो क्या? डरा क्यों रहे हो, मजाक कर रहा था। एक एक्टर हूँ मैं। उस समय जो मैं आया था ना, वो दूसरा कैरेक्टर था। इस वक्त यहाँ से जो जा रहा है वो रिबेल कैरेक्टर है। तुम्हारे इस फिल्म में मेरे जैसा जॉनी लीवर एक हल्का कैरेक्टर वाला भी है, ये जानते हो ना? वो मैं ही हूँ, कन्वर। कुत्ते हैं, कन्वर लाल बोलो। बोल दूंगा, कन्वर लाल। अबे कन्वर, वो ड्रेस चैलेंजिंग सर रणवीर सिंह का है बाप, वॉशिंग के लिए यहाँ आया था। हाइट मैच हो गया इसीलिए तुम्हें दे दिया, जल्दी ला कर दे देना, नहीं तो वो मुझे लिटा कर इस्त्री कर देगा। कन्वर का ड्रेस है, इस्त्री करके इसे रख दूंगा। कन्वर, यहाँ पे कोई कैदी आया था क्या? कोई कैदी इस्त्री के दुकान में? सर क्यों सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, कस्टमर का कपड़ा तुम लोगों को भाड़े पर देते हो, बोल है कि नहीं? अरे सर, मैं कस्टमर का कपड़ा क्यों भाड़े में दूंगा सर, मैं कस्टमर का ड्रेस कस्टमर को ही लौटा देता हूँ सर, किसी ने आपसे झूठा। मेरे ड्रेस से अच्छा तुम्हारे भाड़े का ड्रेस है। सच में एक हीरोइन लग रही हो, सामने लोग अच्छे नहीं है, तुम करेंगे। ये भी धंधा चलता है तेरा? धंधा सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर, आपने तो मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी। ये मेरी कस्टमर है सर। तूने तो कहा था यहाँ कैदी नहीं आया, फिर ये क्या है? कौन सा ये तो द ग्रेट आर्टिस्ट कन्वर लाल का कपड़ा है। कन्वर लाल, सही कहा तूने, वो एक्टिंग करने के लिए ही जेल से भागा है। क्या 69, ये भागे हुए कैदी का ही कपड़ा है। कुत्ते, मैं नहीं हूं सर, मेरा कस्टमर है सर, मुझे छोड़ दीजिए।
Are you waiting for Karthik? No. I know he's coming from India. Come on, follow me. कार्तिक, इधर उधर मत देखना। राणा के लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। हम दोनों इस वक्त बात नहीं कर सकते हैं। बहुत टेंशन है। होटल में रूम बुक हो गया है, सिम कार्ड भी एक्टिवेट हो गया है। सारी बातें सीक्रेटली होनी चाहिए। ये लो, कल मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। हम लोगों ने उस पे अटैक किया था, लेकिन वो बच निकला। इंडिया से कोई आया हुआ है और उसने उसे बचा लिया। डूब मरो तुम लोग। तुम लोग किसी काम के नहीं। तुम लोगों का अकल है क्या? नहीं, अरे उसे पकड़ो। That do I want him alive. उसके पास एविडेंस है। समझा तू? कान खोल कर सुन ले। अगर वो मर गया तो हम सब फंस सकते हैं। हम में से कोई नहीं बचेगा। तुम तो मरोगे, साथ में मैं भी मरूंगा। समझा तू? I want to know one thing today itself. इंडिया से वो कौन आया जिसने उसे बचाया, मुझे जानना है। क्या रे कन्वरलाल, कैदी नंबर 69, देखना प्यारे क्या हाल हो गया मेरा। तुझे भाड़े पे कपड़े देकर मेरी जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई है। अरे बाप रे, अरे जरा देख मेरे बाप। मैंने कभी अगर मैं अपना हैंडसम चेहरे वाला तस्वीर तुम्हें दूं, तो क्या तुम मुझे आधा कप चाय पिलाओगी? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। क्या हो? सामने जो चाय की दुकान है ना, उसकी मैं ओनर हूँ। आपने इतना सा हेल्प किया, तो एक और हेल्प कर देंगी मेरी? मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे अंदर कर दिया। यहाँ से भागने का मुझे कोई प्लान बताइए क्या? अब बैठिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बहुत ही इनोसेंट आदमी हूँ। मुझे अंदर डाल के ये फुटबॉल की तरह मारते हैं। मुझे कोई भागने का आइडिया बता दीजिए जिससे मैं बाहर भाग सकूँ। बाहर जाकर क्या करोगे? अब जो कहेंगी वो करूँगा। गाय है तो उसका दूध निकालूंगा, उसमें से थोड़ा सा दूध मैं पीऊंगा। गाड़ी है तो उसकी बॉडी वॉश करूंगा, और आपका बॉडी वॉश भी करूंगा। सर पे तेल मालिश भी करूंगा और सप्लाई भी करूंगा। तो तुम मेरे साथ आना चाहते हो? हाँ, लेकिन अप्लाई करना है मैडम, या फिर सप्लाई करना है? सप्लाई किसको? गेस्ट को? किसको? उन्हें क्या सप्लाई करना है? खाना पीना देना। खाना पीना? बहुत बढ़िया मैडम, तुम कब बुला रही हो मुझे? वो काम यहाँ नहीं है, सिंगापुर में है। सिंगापुर? तो फिर इस जहन्नुम से सिंगापुर का फ्लाई कैसे करूँगा मैं? मेरे आँख मारते ही केस क्लोज हो जाएगा। मैंने हाथ पकड़ लिया तो सीधे सिंगापुर पहुंच जाओगे। तो फिर मेरा केस जल्दी क्लोज कर दो ना, फिर अपने दिल में बिठा के मुझे अपने साथ सिंगापुर ले जाओ ना। तो फिर देर किस बात की, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा काम है। हेलो। हेलो, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। कार्तिक, मैं तुम्हारी फोन का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? मौका मिलते ही किया। वो तो ठीक है, बताओ तुम कैसे हो? वो मिल गया क्या? अब तक तो नहीं। अच्छा, दीदी से टच में रहना, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। ओके, बट प्लीज कॉल मी एवरी डे। आई बी वेटिंग। आई लव यू। लव यू टू। टेक केयर। बाय। Who are you? Can't you see where you're going? Please help me, help me, help what? me. Please, meri madad karo, please. Run. Oh my God. Are you mad? Please help me, I'm in a big problem. Please, sweetheart, my honeymoon. To help with your problem. Please, run, please. Hey. Chalo, mujhe. Hey, 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 h
She's a thief, pickpocket. It's okay, wait. सिंगापुर में अक्सर चोरी करती है. चोरी करने में टॉप किया इसने. हां मैं अभी टॉपर हूं. 5 सालों से ये कुर्सी मैंने संभाल के रखी है. इसे हमें यूं नहीं छोड़ना चाहिए. इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए. यही इसके लिए सही होगा. पुलिस के हवाले करोगे तो 5 साल मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा. प्लीज नहीं. मैंने ये सब यहां से नहीं चुराया है. ये कल कहीं और से चुराया था. सुना क्या बोल रही है ये? मैं सच कह रही हूं. ये दो मुझे जरा. ओह जॉनी फ्रॉम चोर बाजार. ये कैसा है? अरे ये, अरे कुछ तो रहने दो. ये आपका? ये लो सुठाज. बेचारी लड़की छोड़ दीजिए आप इसे. आपने कहा ठीक है. चलो जाओ जाओ. थैंक यू सो मच. यू सेव्ड मी. यू सो इनोसेंट. बाय. कुछ भी बोलती है. हां हां ए चोरनी फ्रॉम चोर बाजार. मैंने इंडिया की समझकर तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी जेब हाथ मार दिया. हां सॉरी. पता है आदत ही पड़ गई है. ये हाथ मानता ही नहीं है. इट्स सच अ बैड हैबिट यू नो. क्या कर रहे हो? सुनो लास्ट वार्निंग. आज के बाद तुम दोबारा चोरी नहीं करोगी. सबके सामने इंडिया का नाम खराब कर दिया. सो क्यूट. पागल है क्या? ओके बाय. टेक केयर. एक्सक्यूज मी सर. ऑर्डर प्लीज. हाय. अरे यहाँ पता नहीं उसे मैं किसका मुंह देखकर उठा था. तो उस दिन मुझे तू मिल गया और मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस वालों ने मेरा नट टाइट करके सील मार के मुझे सिंगापुर पार्सल कर दिया. अब मुझे तुम यहाँ से कहाँ पार्सल करने के इरादे से आए हो भाई? क्या तुम खुद से सिंगापुर नहीं आए हो? अरे मेरे बाप, डराने वालों से बचकर मैं काटने वालों के पास चला आया हूँ. क्या मेरी फूटी किस्मत. अच्छी बात है यार. काम बहुत अच्छा है. होटल में पेट भर खाना, तन ढकने के लिए कपड़ा और जेब भरने के लिए तनख्वाह. और सोचो लड़की मिल गई तो तुम्हारी लाइफ तो सेट है ना. वाह. लेकिन बीबी है कहाँ भाई? हाँ? क्या हुआ, दूर भाग गई क्या? अरे कहीं भाग गई होती तो अच्छा रहता. वो तो यहाँ मेरी जान की दुश्मन बन के बैठी है भाई. ऐसा क्यों? मैं दिन में भी उसका नौकर हूँ और रात में भी उसने मुझे नौकर बना रखा है. ये क्या कह रहे हो? होटल की मालकिन जो. अरे बाप रे. इतना भी अफसोस मत करो भाई. तो फिर दिन भर यहाँ मेहनत करता हूँ, रात को घर में उसे तेल लगाकर मालिश करना पड़ता है. मेरा नसीब. कहती है यहाँ आने वाले लोगों को सप्लाई करो आइटम. और क्या? आइटम को. अरे वो नहीं यार, यहाँ आने वाले कस्टमर को आइटम सप्लाई करने. ओ, तुम्हारे यहाँ पर साइड बिजनेस भी है? अरे यार ऐसा नहीं है यार. खाना, इडली, बड़ा, डोसा, सांभर सप्लाई करने को यार. ये पहले बताना था ना. पहले पूछना चाहिए था ना. ये खूबसूरत होटल किसका है? ये खूबसूरत महल मेरी बीवी का है. यहाँ सब कुछ उसी का है भाई. तो मैं देखते ही पता चल गया. सब आपकी ही कृपा है साहब. मेरा आशीर्वाद रहेगा तो और तरक्की करोगे तुम. जी मालकिन, यहाँ खड़े होकर भाषण क्यों दे रहे हो? काम पे ध्यान दो. ओके मैडम. ये हूर की परी कौन है? My wife, very slim and beautiful. वो तो दिख रहा है. अच्छा तुम्हें रहने के लिए 3 BHK भी कम पड़ रहे होंगे ना? 3 बेडरूम में तो ये अकेली आती होंगी ना? क्या करो यार, और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास. तो फिर गायब हो जाओ. ऐसे कैसे गायब हो जाओ? मेरा पासपोर्ट इसके पास है. बाहर जाता हूँ पुलिस वाले पकड़ते, यहाँ रहता हूँ तो इसके डंडे खाने पड़ते. क्या करूँ बताओ? मतलब तुम वो दीवार हो जिसमें हर कोई कील ठोकता ही रहता है. क्या जिंदगी है. हाँ फंसा के मजे ले लो मेरा. वो देखो अभी भी वही खड़ा बड़बड़ कर रहा है. उसके लिए तुम ही सही हो. आओ डांटो उसे. तुम्हारे चक्कर में मैं होटल का बहरा बन गया हूं. आप मेरे लिए बोल बच्चन. तुम यहां क्या कर रहे हो? ऑर्डर ले रहा हूं. एक्सक्यूज मी सर, क्या लेना चाहिए? ये कौन है? ये मेरी दूसरी वाइफ. ओह वाइफ नंबर 2. नॉटी फेलो. देखने में तो बहुत छोटे हो लेकिन काम बड़े बड़े करते हो. तुम्हारे अंदर वाकई बहुत हिम्मत है. अच्छा ये भी उसी चक्कर में मिली क्या? वैसी चक्कर में नहीं मिली, ये वैसी चक्कर में मिली. वो कहते हैं ना, एक खरीदो तो एक फ्री है. उसी तरह बड़ी के साथ मुझे छोटी फ्री मिल गई है ना भाग्यवान. जाकर काम पे लग जाओ. जो आ गया मैडम. चलो. जैसे 2 सैंडविच के बीच में एक टमाटर की हालत होती है वैसी हालत हो गई है मेरी. मुझे यहाँ से भागने में मदद करो. तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है. तुम्हें पता है आज मैं सुपरमैन से मिली. अच्छा कौन है वो? पता चलने के बाद लव को नहीं ठुकराओगी इसकी क्या गारंटी है? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की खुशी के आड़े नहीं आते हैं. बट मेरे तो डैड ही नहीं है माँ. मैं हूँ ना बेटी. कम Thank you.
बोलो कार्तिक। देखिए, अगर आप मदद कर सकते हैं तो कीजिए, वरना अपने टारगेट तक पहुंचने की हिम्मत मुझ में है। कार्तिक, दुश्मन को डाउट ना हो जाए इसलिए मैं छुप छुप कर इधर उधर भाग रहा हूँ। उन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर उन्होंने हम दोनों को साथ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कल 11 बजे मरीन ग्रेवयार्ड के पास तुम आ जाओ। आई विल गिव यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर श्योर। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यह जंग हर हाल में जीतनी होगी। सामने वाला अब भी चक्रव्यूह की तरह जाल बिछा रहा है। मेरे पास रखी हुई ये सभी देशद्रोहियों की इन्फॉर्मेशन मैं किसके हवाले करूं, ये सोचते समय मेरी आंखों के सामने तुम्हारा ईमानदार और देशभक्ति वाला चेहरा आ गया। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। इसके अंदर तुम्हें जो चाहिए वो डिफेंस फाइल्स, सीबीआई फाइल्स, सीडीज और डॉक्यूमेंट सब कुछ मौजूद है। अगर तुम इसे अदालत में ले जाकर जज के सामने पेश करोगे तो उन सभी देशद्रोहियों को आराम से फांसी के फंदे तक घसीट सकते हो। ये लो। मैं पीछे छूट गया। चलो चलो। सुनो, मैं रमन बोल रहा हूँ। कार्तिक को सारे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए उसे मैंने यहाँ बुलाया था। तभी राणा के लोगों ने हम पर अटैक कर दिया और मैं डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया। अरे जान बच गई, शुक्र मनाओ। मैं तो छुप छुप के भाग रहा हूँ। तुम हो क्यों मोहतरमा? इस बार खाना खाने के लिए पैसे लाई हो या बड़ी सी टोपी लाई हो मुझे पहनाने के लिए? देखो तो, बैग भर के पैसा लाई हूँ तुम्हारे लिए। इतना बड़ा बैग भर के? क्या बात है, बहुत बड़ा शार्क के जेब में हाथ डाला क्या? चलो अपना पहले बैलेंस चुकाओ। इस होटल के मेन्यू में जो जो चीजें हैं सब एक एक प्लेट मंगवा दो। सब लेकर आऊंगा मैडम, तो लंबी बिल बन जाएगी और पैसा भी बहुत लग जाएगा। ओए, तेरा सारा अकाउंट क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले यहाँ पर सारी डिशेज लाकर टेबल पर लगा दो। वो देख, ला 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 ला। What? हे भगवान, इसमें तो फाइल्स ही फाइल्स भरी हैं। अब मैं क्या करूंगी? Oh my God! मैडम, आपका पूरा ऑर्डर तैयार है। आप जल्दी से बिल का पैसा दे दीजिए तो फिर मैं उस मोटी को दे आऊं। दो चिकन फ्राई, चिकन बिरयानी, यस। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे बहुत तरस आता है। अच्छा, बहुत तरस आ रहा है? एक बार हाँ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? तुम्हारा मतलब है कि यू लव मी? यस चिन्ना, आई लव यू चिन्ना, आई रियली लव यू चिन्ना। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्या? सच में प्यार हो गया है। तो फिर इन दो मोटियों से मुझे बचाकर समुंदर के पार ले जाकर मुझे मेरे देश छोड़ दोगी क्या? अरे सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें अपने दिल में बसाऊंगी, सपनों का एक महल बनाऊंगी। मैं तो सोच रहा था कि भगवान है ही नहीं, लेकिन साक्षात भगवान ही एक लड़की का रूप लेकर सिंगापुर में आकर मुझसे मिल गई। चिन्ना, ये बिल तू क्या? ये वाला बिल? तुमने इतना बड़ा दिल दे दिया है तो फिर बिल भरने की क्या जरूरत? चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ आता हूँ। ये लो, ये लो, ये लो, पकड़ो। जानू, जानू, मैं पिछले कई जन्मों से बीच पर सनसेट पॉइंट के पास इंतजार कर रही थी। सूरज के साथ चलो हम भी डूब जाएं। बाय फादर, मर गया रे। हे माय स्वीटहार्ट, माय लव, कम 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 कम। अरे वाह। Huh?
मैं विद दिस वे। कम आओ और बैठ जाओ। इस घर में हम दो ही लोग रहते हैं, मेरी मॉम नर्स हैं, वो ड्यूटी पर गई हैं। प्लीज बी सीटेड। टैन टैन टी। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जनाब मेरा नाम है लैला, मैं पैदा हुई थी इंडिया में। आहा। बचपन में ही मैं अनाथ हो गई थी, मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है। एक मुंह बोली माँ है जो नर्स है, उन्होंने सिंगापुर लाकर मुझे पाला पोसा। जिंदगी गुजारने के लिए हमेशा किसी न किसी की जेब काटने के लिए भागती ही रहती हूँ। उसका ट्रेलर तो देख चुका हूँ। एनीवे, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कमी तो रहती है। मैं एक सलाह दूं, तुम ये काम छोड़कर कोई अच्छा सा काम करो। थैंक्स, कोशिश करूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये बैग कैसे मिला? हे भगवान, क्या बताऊं, ये पैसों से भरा होगा ये सोचकर चोरी किया। जब इसे खोलकर देखा तो सच कह रही हूँ, मेरा दिल ही टूट गया। उसमें एड्रेस देखकर वापस लौटाने के लिए गई थी, और जब वहां पहुंची तो Hey, give my documents or else I'll kill you. चल मुंह खोल, कहाँ है वो documents? नहीं बताएगा तू? तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं अपने देश से इतनी दूर आया हूँ सिर्फ इसी बैग के लिए, और तुम्हारी वजह से ये बैग आखिर मेरे हाथ लगी गया। Thank you. You're really lucky. Thanks once again. चलता हूँ। सुनो, तुम बाहर मत जाओ, वो लोग बहुत बुरे लोग हैं। सिंगापुर माफिया बहुत डेंजरस है, शूट कर देंगे देखते ही। मेरी मानो, तुम कुछ दिनों तक यही रुक जाओ, जब तक सब कुछ ठंडा नहीं हो जाता। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। अनुपमा जी ने मेरी बेटी को नौकरी भी लगाया था। मैडम जी, वो मेरी बेटी के काम के बारे में कुछ चिंता मत करो तुम, इसे मैंने अपनी पीए बनाने का सोच लिया है। थैंक यू मैडम, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जिंदगी में हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करते रहिए, यही बात है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी मैडम, बट आई नीड योर सपोर्ट। वेपन्स डीलिंग में तुम्हारी माँ ने मेरा अपोज किया, उन्हें मनाने के लिए मैं पैसे लेकर उनके पास पहुंचा, लेकिन तुम्हारी माँ ने फटकार कर मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद तुम्हारे पिता ने अपने ही स्कूल में टेररिस्ट अटैक करवाया। राणा के लड़के ने मेरी बेटी से प्यार का झूठा नाटक किया। डिफेंस डॉक्यूमेंट्स? नो, मुझसे नहीं होगा। सेक्रेटरी अनुपमा जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। डार्लिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लव। आई नो ओनली यू कैन डू दिस। यू रियली लव मी? ऑफ कोर्स आई लव यू। आई लव यू सो मच डार्लिंग। I love you too. उनके इस प्यार को देखकर मैं उन्हें टोकने लगा, तो उसने मुझे ही ब्लैकमेल किया। This is too bad, Kunal. देखो तुम बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हो। Of course. आप तो सही रास्ते पर जा रहे हैं ना? पर उसके लिए तुम मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? She is very innocent. इनोसेंट लड़कियाँ गैर मर्दों के साथ रात भर नहीं घुमा करती, और शादी से पहले किसी के बच्चे की माँ नहीं बन जाती। मुझे मत सिखाओ, और जितना कहा जाए उतना करो। अगर चाहते हो कि मैं उससे शादी करूँ, अगर होशियारी करने की कोशिश की तो तू और तेरी बेटी दोनों। नहीं बेटा, ऐसा अनर्थ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करना प्लीज। मेरी बेटी पर तुम्हारी माँ बहुत भरोसा करती थी। अर्जेंटली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुँचना है। आई डोंट हैव टाइम। लेट्स डू वन थिंग, यू हैव एक्सेस टू माई कंप्यूटर, तो मेरा डिजिटल सिग्नेचर यूज करके फाइल सबमिट कर देना। यू डोंट हैव माई पासवर्ड। मेरा पासवर्ड आईडी है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, प्लीज साइन आउट इमीडिएटली। ओके मैडम। झूठे प्यार को सच समझकर मेरी बेटी ने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अनुपमा जी के डिजिटल साइन यूज करके उसके हवाले कर। ओरिजिनल सिग्नेचर भी इसके सामने कुछ नहीं है, उनका डिजिटल सिग्नेचर इतना परफेक्ट है। ब्लैक मनी उनके पास होगी तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, ये सोचकर रक्षा मंत्री ने रमन, हमारे दो नंबर के पैसों को इस बच्चे के नाम से अकाउंट खोलकर उस अकाउंट में जमा कर दो। उसके बाद हमारी लोटस कंपनी का इस बच्ची को MD बना दो,
फिर इन दोनों की शादी करवा देंगे। ये दोनों फॉरेन में जाकर आराम से ऐश की जिंदगी जिएंगे। क्या कहते हो? शुभ काम में देरी नहीं। उसी दरमियान सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई। राणा के लिए मैंने गलत रास्ता इख्तियार किया। सीबीआई फाइल्स, डिफेंस फाइल्स, सब कुछ कलेक्ट कर ली। कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स भी मेरे हाथ लग गई थी। उसके बाद मैंने डिफेंस बिल्डिंग में आग लगवा दी। सीबीआई स्ट्रॉन्गली हर चीज को सील करते जा रही है सर। पुराने सारे केस रीओपन हो रहे हैं। किसी एक केस में अगर बेल रिजेक्ट हो गया तो आपकी जेल पक्की सर। तो फिर हम लोग क्या करें? शहर छोड़कर भाग जाए? भाग जाएंगे तो आपका वारंट इशू हो जाएगा। पाताल में भी नहीं छोड़ेंगे वो। तो क्या करें? हम मर जाएं क्या? हाँ? यस सर, कानून की नजर में मौत होनी चाहिए, वो भी सिर्फ दिखावे के रूप में। हमारे हाथ में डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए तो बहुत है। बिल्कुल सर, इस मामले में इंस्पेक्टर साहब ने जो आइडिया दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये केस को उलट फेर करने में माहिर है। क्या आइडिया दिए हैं? मतलब मुझे मरने का नाटक करना पड़ेगा। मौत की झूठी कहानी रची गई और प्लेन का एक्सीडेंट करवाया गया। सरकार को, समाज को और पूरी दुनिया को ये यकीन करवा दिया गया कि राणा की मौत हो गई। मैं और मेरी बेटी यहाँ सिंगापुर में छुपे हुए हैं। ये बात जैसे ही अनुपमा जी को पता लगी, वो हमें ढूंढते हुए सिंगापुर आ गई। अनुपमा जी ने मेरी बेटी का विश्वास जीता और उसके अकाउंट में मौजूद सारी ब्लैक मनी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा ली। पैसा ट्रांसफर होते ही राणा और उसका बेटा बौखला गए। कितनी मुश्किल से मैंने वो पैसे कमाए थे, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मेरी बच्ची को मार दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। उस डीलिंग के पैसों को लेकर तुम्हारे डैडी और मम्मी के बीच झगड़ा है। तब तुम्हारे पिता ने शराब के नशे में तुम्हारी माँ को समंदर में फेंक दिया। आखिर में दोनों ने मिलकर मेरी मम्मी को मार ही डाला। कार्तिक, कल रात को मेरे सपने में कोई आया था। मेरे सपने में कौन आया था ये नहीं पूछोगे कार्तिक? कौन आया था पूछो ना कार्तिक। स्टॉप इट। तुम ही तो थे। कार्तिक, तुम जानते हो इस हॉस्पिटल की स्पेशलिटी क्या है? ये प्लास्टिक सर्जरी के लिए वर्ल्ड में नंबर वन है। आज आपके चेहरे की पट्टी खुल जाएगी। पूरी पट्टी खुल जाने के बाद आप अपना चेहरा खुद भी नहीं पहचान पाएंगे। कुछ दिन बस थोड़ी सावधानी बरतनी होगी सर। ओके डॉक्टर। न्यू लुक, न्यू लाइफ। थैंक्स गॉड। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। सी सन, मेरा ये नया गेटअप अच्छा लग रहा है ना? हेलो डॉक्टर। सनी, क्या हुआ? पीए रमन कृष्णा से सारे डॉक्यूमेंट्स मिले क्या? वो मिलने से पहले ही हमारे लोगों ने उसे मार डाला डैड। क्या? रमन कृष्णा को किसने मारा? किसने मारा बताओ, कौन है वो? इसने डैड। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? उन्हें ढूंढना होगा, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए मौत का कारण बन जाएंगे। तेरी गलती की यही सजा है। जो मेरा कहना नहीं मानते हैं उनका यही हश्र होता है, यही हश्र होता है। Chief, I have reached Singapore. I have information about Rana's son and also about the arms dealer. I am on the job, sir, and I'll keep you posted. Thank you, sir. वहाँ देखो। हाँ। वही। Park Royal Hotel। हाँ, मैं देख सकता हूँ। इसी होटल में arms की डील हुई है। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? मेरी जांच पड़ताल के हिसाब से वो डील हुई है। अंदर जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। या। आजा। लैला, yeah? इन डॉक्यूमेंट्स को संभालो और ये बैग लेकर ऊपर जाओ। मैं उस तरफ देख कर आता हूँ, ठीक है?
Hi. Hi, boss. Hello, friends. I welcome you all to Singapore. हमारे नए बिजनेस में आपका स्वागत है. Thank you. आज के बाद हमारा सारा आर्म्स डील बिजनेस सब यहीं से चलेगा. Okay, boss. हम अपने आर्म्स पूरी दुनिया को बेचकर इंडिया से बदला लेंगे. And by the way, Indian military officer, Brigadier Vaidya, he is here. जानते हो क्यों? हमें पकड़ने के लिए वो इंडिया से सिंगापुर आया है. हमें पकड़ने के लिए. हम उसे देख लेंगे. वो तो बात की बात है. अभी आप लोग enjoy करो. Sandy, yes, boss. हमारे सभी दोस्तों को पार्टी दो. जन्नत की सैर कराओ. ऐश करवाओ. Okay, तो दोस्तों boss. अब हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह. Okay? I wish you all the luck. Okay. Enjoy. भले ही तू पर्दे से गायब हो जा, भले ही तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. नो डाउट वो कार्तिक है. कार्तिक ही है. हमारे सारे लोगों को शायद उसी ने किडनैप किया है. अगर ये बात हमारे सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स को पता चल गई ना सन, तो वो लोग हमें जड़ से खत्म कर देंगे. हमें ऐसा नहीं होने देना है सन. किसी भी सूरत में मुझे वो चाहिए, भले उसकी लाश ही सही. जस्ट गो एंड किल हिम. Commission of Police Singapore, we hereby announce that some terrorists moving in the city. If you found this man, please inform your nearest police station. This is Commission of Police Singapore. We hereby announce that some terrorists moving in the city. If you found this man, please inform your nearest police station. हेलो. हेलो दीदी. भैया, तूने इतने दिन तक फोन क्यों नहीं किया? वो सब बाद में बताऊंगा. हमारी मम्मी जिंदा है. क्या कहा तूने? हमारी माँ जिंदा है? यस दीदी. कहाँ है वो? तुम उससे मिले? हाँ दीदी, लेकिन मैं बात नहीं कर पा. आप चुप क्यों होंगे दीदी? इतने दिनों तक माँ को खोकर मैं अंदर ही अंदर घूमती रही, लेकिन आज हमारी माँ हमें वापस मिल गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. मैंने एक बात कही थी, याद है ना? मैं इंडिया तभी आऊंगा जब अपनी माँ के दुश्मनों को मौत के घाट उतार दूंगा. लेकिन अब इंडिया तभी आऊंगा जब माँ को साथ लाऊंगा. टेक केयर दीदी. हेलो, सुनो तो. हेलो, वो यहाँ से बाहर कैसे निकली? वो सारे डॉक्टर से ज्यादा तुम्हें पगार देता हूँ, उसके बाद भी तुम्हें लाभ करवा निकली. डॉक्टर, कम हियर. यस सर. कम फास्ट. ट्रे प्लीज. गिव अ इंजेक्शन. वेयर इज द मनी? किस बैंक में रखा है? टेल मी द कोड नंबर फास्ट. अमेरिकन बैंक, स्विस बैंक, इंडियन बैंक, मॉरिशियस बैंक, वेयर इज द मनी? टेल मी. आखिरी बार पूछ रहा हूं, विच बैंक? कार्तिक, अगर इस वक्त तुम पुलिस के हाथ लग जाते हो तो वो तुम्हें शूट करके खत्म कर देंगे. hey, तुम जब से आई हो मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं नहीं डरता. मुझे माँ को ढूंढना है. ठीक है, कूल डाउन, रिलैक्स. आज के एक दिन हम यहीं रुकते हैं, सवेरे उठने के बाद आगे का प्लान बनाएंगे. बिल्कुल नहीं. लुक, आई हैव टू गो. मुझे मेरी माँ को ढूंढना है, और तुम हो कि मुझे परेशान किया जा रही हो. फायर ब्रिगेड को बुलाऊं क्या? लैला, ओके, ये कोल्ड ड्रिंक पी लो, इसे पीते ही तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा. मैं ये बिल्कुल नहीं पीने वाला. प्लीज पियो. लैला, देखो ये तुम पागल हो. जल्दी से प्लीज. यू सो स्वीट यार.
मम्मी घर पर ही होंगी कार्तिक। फातिमा मैं अभी चलता हूँ। Okay. उसे होश आते ही मुझे फोन करना। I will. उसके पल पल की मुझे खबर होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर। मामी हाँ मैंने आपको बताया था ना कार्तिक के बारे में, जिसने मेरी जान बचाई थी, ये वही है। तुम इसे कैसे जानती हो? मम्मी यही मेरा लवर है, वही सुपरमैन। ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये तुम्हारा लवर है? मम्मी यही तो बेस्ट है ना, इनको भी कोई आई लव यू नहीं कह सकता और ये भी किसी और को आई लव यू नहीं कह सकेंगे, तो मैं तो सेफ हुई ना। हाँ सेफ है। देखो इससे कहो ये घर छोड़कर कहीं ना जाए, मेरे किसी काम में टांग ना अड़ाए, समझा दो। डोंट वरी मामी, मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया है। ओके तुम आज से ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो। ये है तुम्हारी यूनिफॉर्म। थैंक्स मामी। ये सब क्या है? तुम यहाँ पर रहोगे तो ही सेफ रहोगे, यहाँ से बाहर निकलोगे तो सिंगापुर पुलिस तुम्हें शूट कर देगी, समझो ना, थोड़े दिनों की बात है। हाँ क्या चाहिए? वाटर। हाँ वाटर। अब मैं लेके आती हूँ। फातिमा डिलीवरी भी बेकार चीज है, दो आदमी का खाना देने के लिए 20 किलोमीटर तक आना पड़ता है, ये ड्यूटी नहीं सजा है। लीजिए खाना ताकि। तो तुम हो, क्या मजाक है, हीरो बनकर आए थे और सिक्योरिटी गार्ड बन के रह गए हो? क्या बाबा बाबा बाबा, मेरे साथ नौटंकी मत करो भाई, मुझे अभी भी याद है जब पहली बार तुमसे मिला था, आवाज का दीवाना हो गया था मैं, लेकिन आज तुम अचानक खामोशी के नाना पाटेकर की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो भाई? ए तू बात करना यार, मेरे सामने नौटंकी मत करना। इस तरह की नौटंकी फिल्मों में हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छी लगती है। तुम इज्जत से सही रूप में आते हो या मैं अंदर जाकर बता दूं कि तुम बहुत बड़े नौटंकी बात हो? मुझे क्यों रोका? तुमने मुझे एक थप्पड़ क्या मारा, मेरे कानों के अंदर बुलेट ट्रेन दौड़ने लग गया भाई। एक और खींच कर दूंगा ना तो फ्लाइट भी उड़ने लगेगी। शायद तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ टुई जैसी आवाज आ रही है। कौन से स्टूडियो में जाकर किस इंजीनियर से अपना साउंड एडजस्ट करवाऊं यार? ठीक है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह तुम्हारा ही फोटो डाला हुआ है, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। कार्तिक कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ। अब इंतजार नहीं होता, मेरी माँ कहाँ होगी, कैसी होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम जहां आम स्टील हुई थी वहां जाएंगे, चलो जल्दी करो। हेलो हाउ आर यू जेंटलमैन। हाँ तो कैसा लग रहा है यहां? अच्छा सुन, मुझे अपने एक ही सवाल का जवाब चाहिए, वो देगा तभी तेरी सांस चलेगी। माय मदर, आई मीन अनुपमा जी कहाँ है? सच कहोगे तो सबके लिए फिश मील दूंगी, इसलिए जल्दी से जवाब दो। अगर नहीं दिया तो तुम लोगों को मछली की तरह भून दूंगा। चल बे, वी डोंट नो।
5 गोलियां बाकी हैं, एक एक की खोपड़ी उड़ा कर रख दूंगा। तुम लोग नहीं बताओगे तो ये तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, नहीं, मैडम सुनिए ना, सच्चाई क्या है हम अभी बता देते। बता। सर आपकी माँ कहाँ है ये तो हमारा एजेंट सैंडी ही जानता है। हम तो यहाँ सिर्फ वेपन डीलिंग के लिए आए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सैंडी पुलिस स्टेशन में है। लैला इन्हें खाना दो। कम 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 ऑन। गुड मॉर्निंग सर, आई एम ऑफिसर टूनवाला। I got this girl in Serangoon Beach, Deepla. She stole my wallet. Take her to the custody la. No, no. मैंने इनका वॉलेट नहीं चुराया है। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। Hey, shut up. Stand still. Take her to the custody la. Take her. हाँ, go la. Go, go, go. No. Go. Oh. I am Officer Tungola. I am here to see Sandy in terrorist case la. You too, come. Yes, sir. Yes, sir. Take him to Sandy. Thank you, la. Oi, 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 oi! Leave me. मैंने कोई चोरी नहीं की. Where are you from? India. India? You know Shah Rukh Khan? He's my brother. तुझे देखा तो ये जाना था. Hey. You may go, la. Yes, sir. Hey, तुझे क्या लगा कि तू मुझसे बच जाएगा? सुन, अगर तू पाताल में भी जाकर छुपा होता तो मैं तुझे वहां से भी ढूंढ निकालता। बता, मेरी माँ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है। टाड़ा टाड़ा, ला 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 ला। सुन, अगर तूने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं उसे परमानेंटली बंद कर दूंगा। बता, मेरी माँ कहाँ है? बोल, नहीं बोल, मुझे नहीं मालूम। बोल, बताता बताता हूँ। बोल, बोलता हूँ बोलता हूँ बोलता हूँ बोलता हूँ। नंबर 37 जिमनी गेस्ट हाउस, डॉकयार्ड रोड। Hereby announce that some terrorists moving in the city. If you found this man, please inform your nearest police station. हाँ, वो सब मैं संभालूंगा, तुम चिंता मत करो। हेलो सर, मैं फातिमा बोल रही हूँ। उसने कुछ कहा क्या? नहीं सर, लेकिन जिस इंसान को टीवी में दिखा रहे कार्तिक नाम के टेररिस्ट को, मैंने अपने गेस्ट हाउस में कल ही सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दी है। What? I'm coming. मामी, इस टेररिस्ट के साथ रिश्ता कैसे बनाया? चलो घर के अंदर। मामी, ये टेररिस्ट नहीं है। मैंने अभी अभी टीवी पर देखा है, ये देशद्रोही है। देखिए, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। फिर तुम्हें पुलिस क्यों ढूंढ रही है? लैला, इससे कहो इसी वक्त यहाँ से चला जाए, अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। मामी प्लीज। मामी, फोन करने से पहले एक बार जान लीजिए, आप जिसका ट्रीटमेंट कर रही वो और कोई नहीं, मेरी माँ है अनुपमा। ये बात सच है, मैं उन्हीं का बेटा हूं। मेरी माँ डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करती थी, सभी लोग उन्हें आयरन लेडी कहकर बुलाते थे। हमारे देश की एक आर्म्स डील का अपोज किया था उन्होंने और उसी की सजा भुगत रही हैं। बात सैनिकों की सुरक्षा की थी, उस धोखाधड़ी में मेरे जीजा जी भी शामिल थे। मेरे पिताजी
स्कूल के चेयरमैन और मैं एनएसजी कमांडो। मेरी मम्मी का खून मेरे पिताजी ने ही किया, ऐसा इल्जाम उन पर लगाया गया जिसकी वजह से वो आज भी जेल में है। जिन्हें तुम अपनी माँ की मौत का कातिल कह रहे हो वही लोग उन्हें जिंदा रखकर यहाँ अच्छे से उनका इलाज करवा रहे हैं। राणा मतलब राजशेखर इस वक्त वो इसी शहर में है। एक समय वो इंडिया में पॉलिटिकल लीडर था लेकिन फिर यह साबित हुआ कि वो एक क्रिमिनल है तो उसने अपने आप को इंडिया छोड़कर यहाँ सेटल कर लिया। सिंगापुर में अपना धंधा चलाने लगा। आप जिसके यहाँ नौकरी करती हैं वो वही है राणा उर्फ राजशेखर। बैंक अकाउंट से 20,000 करोड़ रुपए का काला धन उसे चाहिए जिसका कोड सिर्फ मेरी मम्मी जानती हैं, इसलिए वो उनका ट्रीटमेंट करवा रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में जरा भी सच्चाई है तो बता दीजिए इस वक्त मेरी माँ कहाँ है। मैं उन्हें इंडिया ले जाऊंगा और प्रूव करूंगा कि वो देशद्रोही नहीं है। इतना एहसान कर दीजिए। आई एम सॉरी कार्तिक, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। वो राणा इस वक्त कहाँ है इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन वो बार बार रॉयल पैलेस होटल में आता जाता है। Sir, this guy is not a terrorist. He is a military commando officer. I know him very well. Sir, after kidnapping Anupama ji, Rana and his son are hiding over here in Singapore and has betrayed Indian government. Whatever crime they have committed, I have all the evidence here. CBI has also filed a case against them, sir. Hi, Karthik. Leila. I'm sorry for coming late. That's okay. Karthik, I'm so happy, you know. तुम बिल्कुल innocent हो, ये बात पुलिस को पता चल गई है। पुलिस कमिश्नर को सारे evidence दिखाकर detail में सारी बात समझा दी है और उन्होंने सारी बातों को मान भी लिया है। खुली किताब की तरह सारी बातें साफ हो गई हैं। अब तुम्हारे खिलाफ जो केस है वो भी बंद हो जाएगा। I'm so excited. Thank you, Leila. Thank you very much. कार्तिक वो देख गया है, फोन पर किसी से बात कर रहा है, मैं उसे रोकती हूँ। कम 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 फास्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाय सर, ये एक नया अपार्टमेंट बना है सर, और आप वहाँ देख रहे हैं वह हमारा ऑफिस भी है एंड इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रही हो। स्विमिंग पूल है और
हाय माय सन। कार्तिक। क्यों राजशेखर उर्फ राणा? नाम सुनते ही सांप सूंघ गया और पसीने छूट गए। दैट इज कार्तिक। तेरा देश, तेरी जगह, तेरा साम्राज्य, लेकिन इस वक्त उसके तख्त पर बैठा है कार्तिक। hey, मेरा बेटा कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ मौत का इंतजार कर रही है। hey, मेरे देश में फांसी का फंदा तेरी गर्दन का इंतजार कर रहा है। पहले मुझे चाहिए मेरी माँ। hey, hey, तुझे तेरी माँ मिल जाएगी। बेटा सुन सुन, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुझे चाहिए तो मेरी जान ले ले। Save me, Dad. Help me, please. Help me. hey. जब मौत के मुंह में पड़े तेरे बेटे के लिए तू इतना तड़प रहा है, तो सोच मैं कितना तड़पा होगा। hey, hey, देख देख, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, उसे मैं लेकर आऊंगा। तेरी माँ को मैं लेकर आऊंगा। बता कहाँ पर मिलना है, कहाँ मिलना है? hey, भीख की जरूरत तुझे है, मुझे नहीं। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, लेकर आता हूँ। डैड, डैड, हेल्प मी, मुझे बचाओ। मम्मी, क्यों राजशेखर, भले ही तेरा चेहरा बदल गया लेकिन तेरी जात नहीं बदली है ना? लोग तेरी मौत को सच मान बैठे, तूने अपना चेहरा बदल लिया, लेकिन तू और मैं जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ग्रेट, इंटेलिजेंट। hey, मुझे तुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ को मुझे सौंप दे। पहले मेरा बेटा। बेगर्स कांट बी चूजर्स, मिस्टर राणा। तुझे पता नहीं, मेरे लिए सेफ्टी अहम है। मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं दूसरा बेटा पैदा करने की ताकत रखता हूं, लेकिन अगर तेरी मां मर गई तो क्या होगा? अरे पकड़ो उसे। तेरी इतनी हिम्मत साले कि तू मुझ पे हाथ उठाएगा? चेयर पर बिठाओ इसे। आंखें किसे दिखाता है? कोड नंबर बताओ, नहीं तो तेरे सामने ही तेरा बेटा दम तोड़ देगा। बता दो ना मैडम, तुम्हारा एक ही बेटा है ना? कल तुम्हारा पिंड दान करने के लिए कोई नहीं बचेगा। ऐसा मत कहो। भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन इन्हें कोड नंबर मत बताना माँ। मार मेरे बेटे को। हे, शॉक ट्रीटमेंट के लिए स्विच ऑन करो। प्लीज मत मारो मेरे। कोड नंबर बता दो ना। गिव मी योर कोड नंबर, अदरवाइज योर सन विल डाई। Come on, speak up. Please, ऐसा मत बता ना माँ। बता दो मैडम। बता दीजिए ना मैडम, नहीं तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। हाँ बता दीजिए ना। देखो इसे। ऐसा मत करो। शॉक दो उसे। बच्चा, होश में आजा बच्चा। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरा बच्चा? मदर सेंटीमेंट है ये। सन सेंटीमेंट। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर तूने कोड नंबर नहीं बताया तो तेरे बेटे के चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। बताती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ। मुझे बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। मिल जाएगा मैडम,
बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए ना मैडम? ये पकड़ बेटा। अरे इसे पकड़ बेटा, मैडम कोड नंबर बता रही है। अरे बछड़ा, अम्मा नहीं करता तब तक गाय भी दूध नहीं पिलाती है। हम लोगों के यहाँ से बाहर जाने के बाद तू यहाँ से बस कर निकल जाएगा यही सोच रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा, जानता है क्यों? ये देख, ह्यूमन बॉम्ब जैकेट। जरा भी हरकत करने की कोशिश की तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद तेरी माँ तेरे बेटे को मार देगी, रह जाएगी। इसकी अच्छी तरह से मरम्मत करने के बाद इसे ह्यूमन बॉम्ब जैकेट पहनाकर ले चलो। हिलना मत, चुपचाप चलो। जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की तो मेरे आदमी के हाथ में रिमोट है, उससे दबाते ही दोनों के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। मेरे आदमी मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तुम लोगों ने जरा सी भी चाल चलने की कोशिश की तो मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी रिमोट दबा देंगे। इसीलिए बिना कोई हरकत किए चुपचाप चलते रहो। We got it. Hey, come on, open it. इन सब को इंडियन गवर्नमेंट की ओर से अरेस्ट वारंट भी इश्यू हुआ है सर। सर, ये है राणा के पार्टनर्स, आर्म्स डीलर, इलीगल वेपन्स यही लोग सप्लाई करते हैं सर। Sir, Rana and his son both have taken my mother to the bank, threatening her at the gunpoint and transferring the money. We'll go and arrest them. Yes, come on. Hello. Police coming at you. Oh my God. Escape immediately. Kya hua, Dad? Police wale aa rahe hain hame arrest karne ke liye. What? Chalo, chalte hain. Come on, move fast. Let's go. This is from control room. All policemen go to China Bank. Quick. Come on, jaldi, jaldi, move. Sir, they are escaping from the bank. डैड, अब कहाँ जाएंगे? बैक टू इंडिया। हमारे लिए वही एक जगह है जहां पर हम सेफ हैं। देश वालों की नजर में मैं मर चुका हूं। मेरे ऊपर जितने केसेस थे सब क्लोज हो चुके हैं। इस वक्त मैं एक नया इंसान हूं, एक नया नाम, एक नया पासपोर्ट। सर्च देम, सेंड ऑल आवर फोर्सेस। Goodbye, Leila. Have a great flight. Thank you. Take care. This is for remembrance. Take care of yourself. Bye. Chali.
हाय माँ. हेलो. हाय कार्तिक. हाय. इस तरफ माँ. कार्तिक इस तरफ, इस तरफ. डैड बुरी खबर है, वो बच के निकल गया. पता नहीं कहाँ से पुलिस आ गई. अरे कधे 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 कधे, गोली चलाने की जगह पे मुझे कहानी सुना रहा है. ए, सब के सब मिलकर जरूर ड्रामा कर रहे हैं. सुनो, उनका क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ. मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक मेकअप मैन हूँ और एक एक्टर भी हूँ, और ये लोग जूनियर एक्टर्स हैं. तुम्हें घर तक सेफली पहुंचाना ही हमारा असली मकसद था. अंकल मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. राणा का यही प्लान था कि तुम दोनों जैसे ही यहाँ पहुंचो, तुम्हें पहुंचते ही खत्म कर दिया जाए. और ये बात मुझे पता चल गई. देश की सेवा करने के लिए तुम्हें और मैडम जी को बचाना ही मेरा फर्ज था. चलो आओ. कार्तिक, आई होप तुम ठीक हो. आई एम फाइन. माँ जी, मैं आपको दोबारा देख पाऊंगी, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे. ऐसा मत कहो. जानती हो, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन इसने इसने मुझे एक नया जन्म दिया है. तुम्हारे पिताजी से मैं एक बार मिल लूं, उसके बाद भले ही मुझे मौत आ जाए. मैं कितने देशद्रोहियों को मारना चाहता हूं और उनका पिंडदान आपके हाथों से करवाना चाहता हूं, और आप है कि मरने की बात कर रही हैं. माँ, मेरी जैसी नालायक औलाद किसी भी माँ बाप को ना मिले. बिना सोचे समझे बगैर मैंने आपको हर्ट किया. मुझसे बड़ी गलती हो गई. मैं पापा से मिलकर आता हूँ. मैं तुम्हारे साथ चलूंगी. नहीं माँ, मुझे अपने साथ नहीं, ले चलो. प्लीज मुझे उनसे मिलना. नो माँ, प्लीज अपने साथ. देखो मेरी बात सुनो, तुम बाहर निकल के गलती बिल्कुल मत करना. राणा के लोग हर तरफ फैले हुए हैं. मुझे उसकी परवाह नहीं. पिताजी को बचाने के लिए माँ को सामने लाना जरूरी है. अगर हमें अपने देश को बचाना है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें लड़ना ही होगा. बिल्कुल ठीक कहा. गुड लक. लेकिन जेल में तुम पहुंचोगे कैसे? जेल की डॉक्टर मैं ही हूं, मैं हेल्प करूंगी. कार्तिक. डैडी. कार्तिक, मैं खूनी नहीं हूं बेटा. जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा था. मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए. तैश में आकर मैंने बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया. मुझे पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए थी. बच्चों की तरह मैंने अफवाहों पर विश्वास कर लिया और इतनी बड़ी भूल कर दी. डैडी मुझे माफ कर दीजिए. तुम्हारी मां ने कोई गलती नहीं की, उसे मेरे कर्मों की सजा मिली. उसके पास बैंक कोड नंबर था ही नहीं, वो तो मेरे पास था. ये क्या कह रहे हैं डैडी? बैंक कोड कहाँ है? उस दिन सिंगापुर में जब तुम्हारी माँ बैंक से लौटी तो उसके पता चले बिना ही बैंक कोड नंबर को चुरा कर मैंने सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए. पैसों की लालच की वजह से ही भगवान ने मुझे ये सजा दी है. हेलो. खुशखबरी है बॉस, आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा. उन्हें फॉलो करो और मुझे मैसेज करते रहो. ओके? ठीक है बॉस. सुनो बेटे. हाँ डैड. तुम जेल में जाओ. डैड. कार्तिक का बाप कार्तिक को कोड नंबर दे रहा है. कार्तिक बैंक जाकर वो सारे पैसे ट्रांसफर करे, उसके पहले उसके बाप को कब्जे में लेना होगा. नहीं तो सन एविडेंस भी जाएंगे, पैसे भी जाएंगे और हमारे प्राण भी जाएंगे.
उसका बाप कौन से सेल में? वो हमारे पास के सेल में है। हेलो कार्तिक, तुम्हारे पिताजी को कुनार और उसके गुंडों ने किडनैप कर लिया है, जल्दी आओ। What is the code number? Code number बताओ मुझे। बोलो, बोलो। मुझे नहीं पता। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। बताओ मुझे। बताओ what is the code number? Your Honor, I am Anupama Rao, Secretary of Defence. इस केस की पार्टी एंड पर्सन मैं ही हूँ। These are all evidences. ये है सारे डील्स, बैंक अकाउंट डिटेल, सब कुछ इसमें मौजूद है। आप इसकी जांच करवाइए और सही गुनहगार को सजा दीजिए। Your Honor, I am appearing for late Rana Rajshekhar Rao, who is our ex-defense minister. ये defense secretary रिश्वत लेकर धोखाधड़ी करके जानबूझकर राणा और उसकी कंपनी पर झूठा आरोप लगाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इतना बड़ा नाटक कर रही है। नाटक मैं नहीं कर रही हूँ योर ऑनर, आपके हवाले किया हुआ ये एविडेंस सच है। ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आप इसे चेक करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। Your Honor, ये सब फोटोकॉपीज हैं। डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करके ये कोर्ट को गुमराह करना चाह रही हैं। मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ योर ऑनर, सच्चाई को आपके सामने ला रही हूँ। योर ऑनर, आप तो जानते ही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मदद से ओरिजिनल को डुप्लीकेट साबित किया जा सकता है, डुप्लीकेट को ओरिजिनल साबित किया जा सकता है। इस केस का मुख्य आरोपी मर चुका है, ही इज डेड। Your Honor, here is the death certificate. इसी के साथ इस केस को ज्यादा अहमियत न देते हुए तुरंत इस केस को डिसमिस किया जाए, मैं इस अदालत से विनती करता हूं। राणा ने मरने का सिर्फ नाटक किया है योर ऑनर, रिश्वत देकर डेथ सर्टिफिकेट निकालकर फॉरेन में सेटल हो गया है और इस देश को बर्बाद करने के लिए वो लौटना चाहता है, ये बात ये अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल गलत, इट्स अ लाई योर ऑनर, ही इज डेड। नो, वो जिंदा है और इसका एविडेंस मेरे पास है। योर ऑनर, लगता है इनका दिमाग खराब हो गया। ऑर्डर, ऑर्डर। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, सिंगापुर हॉस्पिटल में इसीलिए एडमिट थी, इसका सबूत मेरे पास है हुजूर। इनका दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा है, किसी मेंटल हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट कराना जरूरी है। और इनका लड़का वांटेड क्रिमिनल है, इनका पति इनकी जान लेने के इल्जाम में पागल होकर जेल से फरार हो गया है। इस वक्त दोबारा डिफेंस मिनिस्ट्री में जगह पाने के लिए ये सारा नाटक कर रही है। सबस्टैंडर्ड इक्विपमेंट सप्लाई करके देश को धोखा देकर वो विदेश में ऐश की जिंदगी जी रहा है और यहाँ हमारे सैनिक बेमौत मारे जा रहे हैं। मेरा बस चले तो योर ऑनर इन्हें बीच सड़क पर शूट कर देना चाहिए। आई ऑब्जेक्ट टू दिस योर ऑनर। शूट करने वाली आप कौन होती हैं? आप बहुत बड़ी डिक्टेटर हैं क्या? ये कोर्ट की बेइज्जती कर रही है योर ऑनर। योर ऑनर, कोर्ट के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है,
हाँ, लेकिन चंद रुपयों के लिए झूठ को सच साबित करके, सच को झूठ साबित करके गुनहगारों को कानून से बचाने का कुछ लोगों का पेशा है, और इसीलिए सच्चाई हमेशा दब कर रह जाती है। This is yours, okay? So, case close हो जाएगा ना? Thank you. अदालत के सामने डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए। क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी सारी संपत्ति कानून के कब्जे में है, इसके अलावा उनका पासपोर्ट, उनका बैंक अकाउंट अदालत के कहने पर जब्त किया जा चुका है, इसलिए इस केस को आगे बढ़ाने की कोई खास वजह नजर नहीं आती। अदालत इस केस को यहीं बर्खास्त करती है। मिस्टर कार्तिक, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इसका कसूर क्या है? हीरोइन के नाम का वारंट। व्हाट इज दिस? कार्तिक, ये सब क्या है? क्या है ये सब? डोंट वरी मैम, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। माँ का ख्याल रखना। कार्तिक, कार्तिक! हे, वो कोड नंबर बता मुझे। नहीं बता। वो कोड नंबर तू जानता है, ऐसा तेरे बाप ने मुझे बताया। बता। बता। बता कोड नंबर क्या है? और नहीं बताएगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बता, अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहता है तो बता मुझे। नहीं, उसे कुछ मत करना प्लीज। बताता है कि नहीं? कार्तिक, कार्तिक, छोड़ो, उसे मार दूंगा। मिस्टर मणि, अनुपमा जी कोर्ट में केस हार गई हैं। वेरी पिटी सर, पॉलिटिशियन के सामने कानून बिक जाता है सर, तो हमें इंसाफ कहां से मिलेगा? सर, मिस्टर कार्तिक, सर, व्हाट हैपन? सर, देशद्रोहियों के खिलाफ सारे सबूत होते हुए भी हमें इंसाफ नहीं मिल पाया। कार्तिक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे तुम्हें उस दिन आर्मी से सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। देश की धरती पर शत्रु का कदम न पड़े, इसीलिए अपनी जान हथेली पर रखकर हम देश की हिफाजत करते हैं। लेकिन आज देश का दुश्मन देश में ही बैठा है और हम खामोश हैं। मेजर कार्तिक, तुम्हें देश के अंदर फैले हुए दुश्मनों को पहले खत्म करना होगा। यू आर फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट सो कॉल्ड डेड मिनिस्टर राणा। I shall speak to the field marshal. Indian Army is with you. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! देखो मेरे भाई, मैं भगवान की कसम खाकर एकदम सच कह रहा हूँ, तुम्हारे ऑफिस में आते ही मेरी दरिद्रता दूर हो गई। तुम्हारे जैसे कसम खाने वालों को पावर में आते ही पार्टी वालों को लात मारकर बाहर निकालते मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखा है। ए, बात बात में हंसना बंद कर। देखिए महाशय जी, मिनिस्ट्री में रहना है तो हंसते ही रहना होगा, चाहे तो एडवांस ले लो, लेकिन कल पार्लियामेंट नहीं है, पीएम नहीं है, अविश्वास का प्रस्ताव आया है, ये बहानेबाजी मत करना, समझ गए ना? ओके ओके माय डियर जेंटलमैन, कल ये सरकार गिर जाएगी। हमारे संतोष पवार जी हमारे अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे कहने के मुताबिक ये चलेंगे। मुझे मंत्री का पद देंगे तो आपका एहसान मानूंगा। सर, तिहाड़ जेल को बंद करवाएंगे, ऐसा वादा कीजिए। बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सुनो, हमारे किस किस सांसद को मिनिस्ट्री में कौन कौन सा पोस्ट देना है ये डिसाइड मैं करूंगा, और जिन्हें मिनिस्ट्री में जगह नहीं मिलेगी उन सभी को अलग अलग निगमों में, अलग अलग मंडलों में अध्यक्ष बनाकर उन्हें मैं बैठाऊंगा। भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाते हुए हम देश के लिए लड़ते हैं।
और तुझ जैसे देश को बर्बाद करते हैं। वेरी बैड राणा, ये देशद्रोही तुम्हारा हीरो है। मेरी दुश्मनी इससे है तो बेहतर होगा तुम लोग हट जाओ। क्यों राणा, इन सब के पीछे खड़े रहकर तुझे लगता है तू बच जाएगा? तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अपने मतलब के लिए पार्टी बदलते देर नहीं करते हो तुम, और तुम्हारी जुबान की तो कोई कीमत ही नहीं है। वक्त पड़े तो तुम गधे को भी बाप बना सकते हो। तुम लोगों ने ईमान धर्म तो बिल्कुल बेच खाया है। गली के गुंडे भी तुम्हारे जितने बुरे नहीं होंगे। क्यों महामहिम गायकवाड़, फ्यूचर होम मिनिस्टर? हाँ साहब, मैं हूँ वो। एक टोपी, अपना मुंह बंद करना। तेरे ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और तू टेररिस्ट को भी सपोर्ट करता है ना? और ये है टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर। पहले 3G घोटाला, अब क्या 4G करेगा? इससे तो अच्छा है कि मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूं। चलो 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 चलो। चलो चलो जल्दी। Oh!